Bye.
Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
की जय सर्व सिंह देव भगवान की।
हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जहां जहां जिसको जगह मिले बैठ जाइए। अब अगले कार्यक्रम के मंच में हम करेंगे। आज बहुत ही पवित्र पावन दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर बधाई और शुभकामनाएं। तो अभी अगला कार्यक्रम यहाँ पे है कि सब जो है थोड़ा जगह बीच में छोड़ करके कुर्सियों पर जाइए और किनारे में जाइए। अभी जो है हमारे मंदिर के भक्तों का कार्यक्रम यहाँ कल्चरल प्रोग्राम दिखाया जाएगा। कुछ ड्रामा है, क्लासिकल डांस है भगवान के लीलाओं के ऊपर, तो इसका आप आनंद लीजिए। इसके बाद जो हमारा जो मेन कार्यक्रम है महाअभिषेक का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद जो महाअभिषेक होगा और महाअभिषेक में जिन भक्तों ने सेवा अर्पित किया है उनकी सेवाओं को हम भगवान को अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो है आरती होगी, आरती बाद भगवान को अन्नकूट लगेगा। यह सारा कार्यक्रम प्रयास करेंगे कि 9:30 बजे से पहले खत्म करेंगे। और कल जो है बड़ा कार्यक्रम है, कल है नंद उत्सव और श्री प्रभुपाद जी का 125वां जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी है श्री प्रभुपाद जी का। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि श्री प्रभुपाद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर भारत ने जो है कॉइन 125 रुपए का कॉइन निकाला है। तो इसको जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको जो वेडनेसडे को यहाँ के टाइम 2 बजे के टाइम पे जो उसका ओपनिंग करेंगे और उनका स्पीच होगा, तो इसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। तो जो कल का कार्यक्रम होगा 11 बजे से कार्यक्रम होगा, श्री प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा, भोग लगेगा, उसके बाद श्री प्रभुपाद जी के विषय बताया जाएगा, उनका ग्लोरिफिकेशन होगा और उसके बाद सबके लिए यहाँ पे जो है लंच प्रसाद होगा। तो आप इन सब प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। जो है केवल आपको ध्यान रखना है कि जो कोविड का रिस्ट्रिक्शन है उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप जो है मास्क लगा के रखिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और इन सब का थोड़ा थोड़ा लाभ लीजिए। हरे कृष्ण। ऊपर का थोड़ी देर लाइक करेंगे बच्चों के लिए, ऊपर का चाहिए आपको उसके लिए हमको एकदम ध्यान हो जाए। Thank you.
हम रेडी है।
जय जोर माइक दे दो उनको माता जी को। हाँ गिव गिव माइक अनाउंस अनाउंस दे दो माइक दे दो माइक मैंने वो पे नहीं करा मैंने पे नहीं लाइट माइक अरे उसको पूरा पूरा माइक दे दो ना पूरा माइक दे दो यहाँ डांस कहाँ करेंगे ये आप पीछे आओगे सॉरी मैं पीछे हो जाऊँ ओके ठीक इधर आ जाइए इधर आ जाइए ठीक अरे इधर आइए हरे कृष्ण सभी श्याम रंग बिरंगे हुए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम जन्माष्टमी का महान पर्व हम सालों से मना रहे हैं उसकी झांकी क्यों मना रहे वो हम आज बताएंगे श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा नगरी में श्रावण मास रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन हुआ श्री कृष्ण का जन्म समय रात को 12 बजे मॉर्निंग 12 भी बोल सकते हैं एम को हुआ 000 18 जुलाई 3228 BC को हुआ उसका साल है 32 मास साल एंड 28 ईयर्स तभी से हम ये उत्सव मना रहे हैं उत्सव की बाहरी धूमधाम से नहीं पूरा होता सही मान्यता में तो उत्सव की सफलता इस बात में है कि जो महान पुरुष श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा आदर्श अपने जीवन में उतारे तभी उत्सव होता है हे प्रभु दाता हे आनंद दाता शीघ्र सारे दुख दूर करो लीजिए हमको अपने शरण में हम सदाचारी बने ये प्रार्थना है हम भगवान को करते अर्पण करते हैं आपके सामने श्री कृष्ण थूंगा थूंगा नृत्य लेकर आ रहे धोबी भरत शाह
अभी आपके सामने एक नाटक कृष्ण के ऊपर आएगा। मैं श्यामनंदा माता जी को विनती करता हूँ कि आगे का नाटक है उसके बारे में बताएं। श्यामनंदा माता जी, ये यहाँ रुक्मणी द्वारका दस के सब बच्चे हैं, जो हर हमने कुछ न कुछ अपने सामने भगवान की कृति रजू करते हैं और इसके पीछे जो मैसेज है वो बहुत अच्छा मैसेज रहता है कि जो हमें लाइफ में क्या यूज करना चाहिए। तो श्यामनंदा माता जी प्लीज। जब तक ये प्रिपेयर होता है तब तक मुझे एक क्वेश्चन है आपके साथ कि आपको कुछ मैं भारत के राज्य के बारे में बताती हूँ। तो जो भारत के राज्य है इसमें कृष्ण भगवान के कौन कौन से स्वरूप की पूजा होती है? मथुरा में कृष्ण भगवान कौन से नाम से पूजे जाते हैं? आपको जवाब बताना है। कृष्ण कन्हैया, मथुरा में कृष्ण कन्हैया के नाम से पुकारे जाते हैं। ओडिशा में यस जगन्नाथ जी, वेरी गुड। ओडिशा में कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के रूप से पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र में यस विठल जी। राजस्थान में सिद्धार्थ जी, वेरी नाइस। अरे हमारे गुजरात में द्वारकाधीश है ना, अनदर वन यस रणछोड़। एंड केरला, एनीवन केरलियन हियर? माता जी बहुत बड़े नाम है, गौरव पवन, गौरव पवन बड़ा नाम है। तो कृष्ण भगवान सभी राज्य में कृष्ण ही है मगर उसके अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं और उसके पीछे भी कुछ कहानी है। रणछोड़ राय क्यों नाम है उसका, उसके पीछे भी कहानी है। तो ये सभी कृष्ण ही है और कृष्ण की ही भक्ति करते मगर हमें इजी नाम कृष्ण भगवान वो है मेरे लिए, वो भी अच्छा गया मेरे लिए क्योंकि गोवा या वृंदावन में क्या नाम है उनका, वृंदावन में कान्हा और एनी अदर यू नो देन माखन चोर। कृष्ण के 1008 नाम है। तो बच्चे प्लीज आप बताओ कि कृष्ण के नाम, कृष्ण के नाम बोलो, स्टार्ट करो। गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, गिरधारी, नटवर, मुरलीधर, नंदलाला, मुरारी, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, मधुसूदन, वासुदेव पुत्र, नंद नंदन, मुकुंदा, दामोदर, ऋषिकेश। ओके दूसरे आई थिंक 50 जैसे आसपास हुए होंगे। ब्रेक के बाद फिर से मैं आऊंगी 50 नाम अगेन। न्यू नाम नॉट रिपीट। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे गोपाल फन स्कूल और हरे कृष्णा दोनों के बच्चे एक छोटा सा ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में सभी ने प्रिपेयर किया है। कुछ बच्चों के लिए एक्चुअली देखा जाए तो आज 50% और डांस तो इन्होंने 40 टू 70% आज किया है, जस्ट 30% पहले किया था। तो
तो प्लीज अगर बच्चों से कुछ मिस्टेक हो जाए प्लीज आप लोग उन्हें अपने ब्लेसिंग के साथ कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मत देना कि बच्चों का मनोबल टूटे, क्योंकि अभी भी उसकी हेल्थ ठीक नहीं। तो आई हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि सब बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। हरे कृष्णा महामंत्र साथ ही जोर से सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 वेलकम टू हरे कृष्णा या हरे कृष्णा टेम्पल। यहाँ पर जो बैठे हैं ये हमारे हैं नील माधव प्रभु जी। एक्चुअली मंदिर में इनकी एक सेवा है कि जो भी कोई भक्त आते हैं या फिर कोई नया डिवोटी या फिर पुराना डिवोटी जो भी आते हैं उनको ये वेलकम करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में ये सोल्यूशन देते हैं। किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एकादशी के बारे में, जन्माष्टमी प्रोग्राम या फिर प्रभुपाद अभ्युदय, जो भी इंक्वायरीज होती है वो उसके बारे में उनको संतुष्ट करते हैं जानकारी के द्वारा। और कभी कभी कुछ अलग, जानते हैं ना कि हम अलग अलग तरह के मनुष्य हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन हमारे जो नील माधव प्रभु जी ये बहुत एक्सपर्ट है, ये सब स्पिरिचुअल वे में सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। तो देखते हैं कि इनके पास किस किस तरह के डिवोटी आते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, कौन सा डिवोटी पहले आते हैं देखते हैं इसे। हरे कृष्णा ऊपर 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 थोड़ा दूर रखना, इसका वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु वेलकम वेलकम टू टेंपल टेंपल पर नाम प्रभु जी टेंपल पर नाम ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज वृंदावन धाम की जय हो, मथुरा धाम की जय हो, वांछा कल्प दुर्ग से कृपा सिंध एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसा करिए ना प्रभु जी, आप ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य भी पूरा बोल लो ना। अरे प्रभु जी आप तो बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हो, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए ना, मैं यहाँ आप सबके प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही तो बैठा हूँ। अच्छा प्रभु जी अन्नदा एकादशी कब है? अरे प्रभु जी आपके पास वैष्णव कैलेंडर नहीं है क्या? है ना प्रभु जी, घर पर है, पर आप इधर खाली बैठे थे तो सोचा आपसे पूछ लूं, थोड़ा सेवा दे दो ना। बैठे बैठे प्रभु जी। प्रभु जी अन्नदा एकादशी 2 सितंबर को है। और प्रभु जी पारण टाइम? पारण टाइम 11:26 के बाद। 11:26 के बाद क्यों? अरे प्रभु जी 11:26 के बाद क्यों का क्या मतलब? अभी वही तो हमारे साथ बहुत हो रहा है। अरे प्रभु जी इसके लिए आप टेंपल मैनेजमेंट को क्यों ऐसा बोलते हो? देखिए प्रभु जी भीम जी तो एकादशी निर्जला रखते थे ना। हाँ? मैं तो साल की सारी एकादशी निर्जला रखता हूँ, पर अगर उस पर भी पारण टाइम इतना लेट होगा तो ये तो टोटल इंटॉलरेंस है। अरे प्रभु जी इसके लिए आप बार बार टेंपल मैनेजमेंट को क्यों बीच में लाते हो? ये तो पंचायत से डिसाइड होता है ना। अच्छा ये बताइए आपने जन्माष्टमी फास्टिंग किया है ना? हाँ हाँ प्रभु जी किया था खाना। प्रभु जी आप आज प्रोग्राम में जरूर आना और चरणामृत लेकर अपना फास्टिंग तोड़ देना। अरे प्रभु जी मैंने तो ऑलरेडी मेरा फास्टिंग तोड़ दिया है। लेकिन आपने तो भी कहा था कि आपने फास्टिंग किया है। हाँ हाँ प्रभु जी किया तो था ना। कब? रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। मतलब आज ही फास्टिंग तोड़ दिया? हे कृष्ण
उन्हें कुछ स्पेशल खिलाना है, तो फिर आज मैं उन्हें खीर पूरी खिलाया। फिर उन्हें खिलाने के बाद मैं भी खा लिया, पर अगर मैंने खाता तो भगवान नाराज हो जाते। खूब लगा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको खाना नहीं चाहिए था। आप तो सारी एकादशी पालन करते हैं, तो जन्माष्टमी एक उत्सव है, एक त्योहार है जहाँ सारे भक्त फास्ट करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए ना। हाँ हाँ प्रभु जी, करना तो चाहिए था, पर प्रभु जी मैं आज शाम को भगवान का प्रसाद लेने के लिए जरूर आऊंगा। प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने फास्टिंग नहीं किया है प्रभु जी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप जन्माष्टमी में अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर आना। हाँ हाँ प्रभु जी, जरूर आएंगे। प्रभु जी हाँ, नेक्स्ट टाइम से आप फास्टिंग टाइम पर ही ब्रेक करिएगा कैलेंडर के अनुसार। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं नेक्स्ट टाइम से कैलेंडर के अनुसार ही करूँगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ताली बजाइए।